नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टोटल प्रोटीन को रन करने का सही प्रोसीजर क्या है। इस वीडियो में हमने एनामोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ किया है। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि किट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स दिए गए हैं। किट के अंदर दिया गया है टोटल प्रोटीन का बायूरेट रिएजेंट एक बॉटल और टोटल प्रोटीन का स्टैंडर्ड जिसकी वैल्यू है 6 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके अलावा किट के अंदर दिया गया है इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़। हम रेकमेंड करेंगे सारे यूज़र्स को कि वो टेस्ट रन करने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ को ध्यान से पढ़ लें। दोस्तों, टेस्ट रन करने के लिए आपको कुछ एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि क्लीन एंड वेल कैलिब्रेटेड पिपेट 1000 माइक्रोलीटर वॉल्यूम की, क्लीन एंड वेल कैलिब्रेटेड पिपेट 10 माइक्रोलीटर वॉल्यूम की, क्लीन एंड ड्राई टिप्स 1000 माइक्रोलीटर वॉल्यूम की और क्लीन एंड ड्राई टिप्स 10 माइक्रोलीटर वॉल्यूम की, क्लीन एंड ड्राई ट्यूब्स जिसमें हम टेस्ट रन करेंगे जिसको हमने पहले से ही लेबल किया हुआ है, पेशेंट का सैंपल और क्लीन एंड ड्राई टिश्यू पेपर। अब दोस्तों, प्रोसीजर समझने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले रिएजेंट प्रिपरेशन समझ लेते हैं कि रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करना है। अब इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में क्लियरली लिखा हुआ है कि टोटल प्रोटीन एक रेडी टू यूज़ सिंगल रिएजेंट है, इसलिए हमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी रिएजेंट प्रिपरेशन नहीं करना है टेस्ट रन करने से पहले। अब दोस्तों, यदि अगर हम प्रोसीजर की तरफ ध्यान दें तो प्रोसीजर के मुताबिक हमें 3 ट्यूब्स लेनी होगी, एक ब्लैंक के लिए, एक स्टैंडर्ड के लिए और एक टेस्ट के लिए। ब्लैंक वाली हमारी जो पहली ट्यूब है उसमें हमें 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट लेना है। जो हमारी दूसरी ट्यूब है स्टैंडर्ड की उसमें हमें 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट और 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड लेना है। जो हमारी तीसरी ट्यूब है टेस्ट की उसमें हमें 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट और 10 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल लेना है। उसके बाद हमें इस रिएक्शन मिक्सचर को 5 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करना है, और जैसे ही हमारा इंक्यूबेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें इसको मशीन में एस्पिरेट करना है और एब्जॉर्बेंस को नोट करना है। अब दोस्तों, प्रोसीजर के मुताबिक हमने यहाँ पर 3 क्लीन एंड ड्राई ट्यूब्स ले ली हैं और तीनों को हमने लेबल कर दिया है। एक को हमने ब्लैंक का लेबल किया है, एक को हमने स्टैंडर्ड का लेबल किया है और एक को हमने टेस्ट का लेबल किया है। प्रोसीजर के मुताबिक हम यहाँ पर सबसे पहले 1 ml बायूरेट रिएजेंट हम तीनों ट्यूब्स में ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले 1 ml पिपेट में लेंगे, और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि एयर बबल ना एस्पिरेट करें, और उसके बाद हम इस रिएजेंट को तीनों ट्यूब्स में डिस्पेंस कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर स्टैंडर्ड की ट्यूब लेंगे और इसमें से हम 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड एस्पिरेट करेंगे, और यहाँ पर हमने एक क्लीन एंड ड्राई 10 माइक्रोलीटर की टिप ली है। स्टैंडर्ड लेने के बाद हम यहाँ पर टिश्यू पेपर से टिप का बाहरी हिस्सा वाइप करेंगे, और जो हमारी दूसरी ट्यूब है स्टैंडर्ड वाली उसके अंदर हम ये 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड को डिस्पेंस कर देंगे। उसके बाद हम इस ट्यूब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम टिप चेंज करेंगे और एक फ्रेश टिप ले लेंगे, और हम पेशेंट का 10 माइक्रोलीटर सैंपल यहाँ पर दोबारा एस्पिरेट करेंगे और टिप के बाहरी हिस्से को टिश्यू पेपर से क्लीन करेंगे, और उसके बाद जो हमारी तीसरी ट्यूब है टेस्ट वाली उसमें हम 10 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल ऐड कर देंगे, और उसके बाद इस ट्यूब के भी कंपोनेंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम इस रिएक्शन मिक्सचर को 37 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर देंगे। दोस्तों, जब तक हमारा टेस्ट इंक्यूबेट होता है तब तक आप मशीन में टोटल प्रोटीन का प्रोग्राम ओपन करके रेडी हो सकते हैं, जो आपने पहले से ही सॉफ्टवेयर में सेव किया होगा या फीड किया होगा। आप हमारी एक सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि इंस्ट्रूमेंट में किसी भी
प्रोग्राम को सेव करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में टेस्ट पैरामीटर्स दिए गए होते हैं उसको यूज़ करके कैसे आप टोटल प्रोटीन का प्रोग्राम अपने इंस्ट्रूमेंट में सेव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को पहले से ही ओपन किया हुआ है, प्रोग्राम को। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जहाँ पर हमें सबसे पहले ब्लैंक सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही हम ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ने हमें मैसेज दिया है एस्पिरेट ब्लैंक। तो यहाँ पर हम हमारी जो ब्लैंक की ट्यूब है, सबसे पहले वाली जो हमारी ट्यूब है, उसको हम यहाँ पर मशीन में एस्पिरेट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर हमने ब्लैंक की ट्यूब को एस्पिरेट किया, उसके बाद एक छोटे से डिले टाइम के बाद में इंस्ट्रूमेंट ने यहाँ पर हमें ब्लैंक की एब्जॉर्बेंस डिस्प्ले कर दी है। इसके बाद हमें यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन स्टैंडर्ड का सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पर स्टैंडर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे मशीन ने हमें मैसेज दिया है एस्पिरेट स्टैंडर्ड। तो अब हम यहाँ पर हमारी सेकेंड ट्यूब जो है स्टैंडर्ड वाली, वो लेंगे और इस ट्यूब को हम मशीन में एस्पिरेट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने स्टैंडर्ड की ट्यूब एस्पिरेट करी, मशीन ने एक छोटे से डिले टाइम के बाद में यहाँ पर स्टैंडर्ड की ओडी और एक नया फैक्टर डिराइव करके हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। और यहाँ पर मशीन हमें पूछ रहा है कि क्या हम इस नए फैक्टर को सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यस का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में जाना होगा, जो कि है सैंपल। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैसेज आ रहा है एस्पिरेट सैंपल। तो यहाँ पर हम हमारी थर्ड ट्यूब लेंगे टेस्ट वाली, और इस ट्यूब को हम मशीन के अंदर एस्पिरेट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटे से डिले टाइम के बाद इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर हमारे टेस्ट या पेशेंट सैंपल की एब्जॉर्बेंस भी डिस्प्ले कर देगा और उसका रिजल्ट भी डिस्प्ले कर देगा। दोस्तों, ये सही प्रोसीजर है टोटल प्रोटीन का टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। यदि आप एडिशनल पेशेंट सैंपल्स रन करना चाहते हैं, तो आप एग्जैक्टली यही प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस तरह के और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।